के देवता लोग भी जिनको देख करके बेहोश हो जाते, जिनकी सुंदरता को देख करके। अभी बेटी शादी के उपजुक्त हो गई, अभी श्री मनु महाराज देख रहे हैं पहले बेटी की शादी करा दो, अभी शादी किसको साथ में कराएंगे। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे उनकी परछाई से श्री कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ये कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की, इनकी तपस्या को देख करके भगवान स्वयं प्रकट हुए और इनकी आंखों से जो आंसू निकली उससे एक बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। अभी बोले बर मांगो, बोले प्रभु आपकी चरण में हमको भक्ति मिली। बोले और कुछ मांगो, बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं कि घर गृहस्थी के लिए, लेकिन आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आपकी इच्छा जान करके मैं तो शादी करूँगा, लेकिन दो शर्त पर शादी करूँगा। बोले बोलो क्या। बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे बेटे बन करके आओ तो फिर मैं शादी कर सकता। बोलो आप मेरे बेटे बनोगे। भगवान बोले ठीक है मैं बेटा बनूंगा। बोले दूसरा शर्त, बोले जब तक संतान नहीं होगा तब तक घर में रहूंगा और संतान होते ही मैं फिर सन्यासी बन करके चला। बोले कोई बात नहीं। तब उन्होंने माता देवती के साथ में उनकी शादी हो गई और जब शादी हुई मनु महाराज बेटी को बहुत समझा बुझा करके भेजा। बोले देख बेटी तेरे हाथ में ये दो फूल है, ये पति का भी परिवार और पिता का भी परिवार। अगर बेटी अगर अपना ससुर घर में जाती है, अगर बढ़िया सेवा करती है, बढ़िया काम करती है, लड़ती नहीं झगड़ती नहीं, अरे परिवार वाले क्या कहते। बोले वाह बेटी बड़ी संस्कार बेटी है, बेटी बहुत अच्छी। अगर बेटी कुछ गड़बड़ी करेगी ना तो क्या होता है, किसको ऊपर अंगुल उठता है। बोले तेरे पिता माता ने यही सिखा करे तेरे को भेजा है, इसलिए बेटियों को जब जाए शादी करके ऐसे नहीं वहाँ पर जाकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोनों वंश का जो मर्यादा है वो सब के सब खत्म हो जाएगी। वे बहुत अच्छे तरह से समझा बुझा करके उनको भेजी है। अभी जैसे क्या करते हैं, पहले कोई बात ससुर घर में होना बात झट फोन कर देते, हर बात बात पर लड़की फोन आती, पिताजी ऐसे हो गया, मैया मेरे साथ में ऐसे हो गया। बोले तुम सहन नहीं करना, तुम भी दो बात सुना दो, इसलिए शादी दो दिन बाद में टूट जाती है शादी, वो शादी नहीं रहती है। पहले फोन फोन कुछ नहीं होता था, इसलिए सास ससुर जो बोलते थे वो सुन लेती थी, इसलिए ये संसार टिक जाती थी। लेकिन अभी टिकती है सहज में, जितने ज्यादा लिखी पढ़ी हो ज्यादा उतना ही गड़बड़ी होती है। पहले क्या होता था जो कुछ बोल देते थे सहन करते, अभी कोई नहीं सहन करती, एक बोलते दस सुना देती है, इसलिए बहुत उसको समझा बुझा करके भेजे। जा करके शादी होते ही उन्होंने भजन में फिर बैठी गई, कर्दम ऋषि भजन में बैठी गई तो ये पतिव्रता स्त्री माता देवती उन्होंने पति की सेवा करते रहे। अभी पति अभी भोजन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं पर पति कैसे भोजन, पत्नी कैसे भोजन करेगी। उसने पति की सेवा करते करते 10,000 साल ऐसे बीत गए। उसको बाद में पति की जब आँख खुली है ना, उन्होंने देखा वो भूल गए मैंने शादी कभी किया था, सामने देखा कि बुढ़िया बैठी है। बोले तुम कौन हो। बोले आपको पता नहीं आपने कभी शादी किया था। बोले ओ तुम वही देहूती, और पहले बड़ी सुंदर थी लेकिन पति की सेवा करते 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 एकदम वृद्धा हो गई है, वृद्धा हो गई, और उनका जो केस है पूरा केस उनकी है जटा हो गई उनकी केस। बोले क्यों। बोले पति चूंकि पति भजन में बैठा है, जब पति भजन में बैठा अभी पति ने श्रृंगार कैसे करेगी। देखो पहले हमने जो अपना गांव में देखा जो माता है ना वो सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती थी, वो शाम को करती थी। बोले क्यों। बोले पति के यहाँ काम के, जब पति काम है माता जी ज्यादा बात नहीं करना तुम जो बैठी हो अभी, इसलिए पति अभी काम में गया, अभी आएगा शाम को आएगा तो पत्नी जो श्रृंगार करते हैं किसके लिए श्रृंगार करती है, दूसरे पुरुष को दिखाने के लिए क्या नहीं। इसलिए नियम है शादी से पहले लड़कियों को ज्यादा श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, माताओं का जो श्रृंगार है केवल पति के लिए है। इसलिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है
आप लोग जो सर पर कपड़ा ओढ़ करके बैठे हो, यही संस्कृति हमारी है, यही संस्कृति हमारी है। क्योंकि पत्नी की श्रृंगार केवल पति के लिए, दूसरों पुरुषों के लिए नहीं है। इसलिए हम देखता था हमारी माताएं सवेरे श्रृंगार नहीं करती थी, वो करती थी शाम को, क्योंकि पति आएगा शाम को काम करके, हैं काम को आएगा तो पति को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है। अभी बच्चों के पति अभी भजन में बैठे हैं, पति अभी भजन में बैठे हैं। जब पति भजन में बैठे अभी श्रृंगार किसके लिए करेगी, इसलिए उसकी केस में जटा पड़ गई। लेकिन देखो जो पति व्रता नारी पति की सही सही सेवा करती है उसका फल देखो। इसकी बात कर चुपचाप बैठो। इसलिए सही सही जो पति की सेवा करती है इसका फल देखो, पति तो खुश हो गए इसके श्रृंगार से, इनकी भक्ति और पति सेवा देखकर खुश हो गए। तब बोली तुमने तुमको क्या चाहिए, भले बताओ शादी किसी ने किया था, संसार के लिए तो शादी किया था ना, हैं संतान के लिए तो शादी किया था, भगवान से वर मांगे थे। बोले ठीक है जाओ, तुमने चुके पति की तुमने एक अनिष्ट होकर के सेवा की, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। वो स्नान करके जब वहां से निकली पहले जितने सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बन के प्रकट हुई, हजार दास दासियां प्रकट हुई और उनकी बड़ी सुंदर श्रृंगार की, हैं बड़ी सुंदर उनका श्रृंगार कर दिया। तब ऋषि ने एक विमान को प्रकट किया, तुम चुपचाप एकदम चुपचाप बैठी रहो। इसलिए उन्होंने एक विमान को प्रकट किया है जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले का जो हमारी साइंस थी अभी की साइंस बहुत एडवांस है। वो कामक विमान कैसे है, उसमें पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे विमान उड़ते रहेगा। कितना बड़ा था, बोले कितने क्रोश तक थी, जिसमें सुंदर राजमहल बना हुआ, जिसमें सुंदर सरोवर बना हुआ है, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ, जहाँ पर सुंदर चिड़िया बड़ी सुंदर सुंदर पूजन कर रही थी, जिसमें बैठने पर कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी, जिसमें बैठने पर तुमको प्यास ही नहीं लगेगी, जिसमें हजार करोड़ लोग जिसमें बैठ सकते थे। कितना बड़ा विमान उन्होंने बनाया अपना योग शक्ति से, और दोनों पति पत्नी उसमें बैठे और बैठ करके पूरा के पूरा उन्होंने विहार किया। विहार करते करते उनको नॉर्थ हो बड़ी सुंदर सुंदर बेटी। तब कर्दम ऋषि बोले जब अभी तो खुश हो गए, उनको नौ नौ बेटी हो। बोले नहीं, बोले क्यों, बोले भगवान से क्या वर मांगे थे, अगर आप बेटे बन करके आओ तो मैं शादी करूँगा। बोले थे कि नहीं, बोले हाँ, बोले बेटा तो आई नहीं, और बेटियाँ तो शादी होकर के अपना अपना ससुर घर चली जाएगी, मेरे साथ में कौन रहेगा, हैं कौन मेरे साथ में रहेगा। जब उन्होंने बोले तब उन्होंने अपना पत्नी पति की बड़ी पतिव्रता धर्मों के साथ में जब सेवा की, भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि बन करके भगवान स्वयं कपिल देव आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जब भगवान कपिल आए, लेकिन फिर उन्होंने भगवान से क्या बोले थे, तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक हमारी संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भजन करने चला जाऊं। लेकिन घर में कितना बेटियां हैं, नौ। आप लोगों ने कोई बेटी की शादी करवाया हो, कौन कौन बेटी की शादी किया, हाथ उठाओ। तो आप देखना जब एक बेटी की शादी करते हैं ना, पूरा घर खाली हो जाता है, वजह इतने पैसा लगती है एक बेटी। आज इनके घर में कितना बेटियां हैं, नौ। तब समझो नौ बेटियों की शादी करना कितने कठिन ही होगा। दो तीन बेटी शादी करते क्या हो जाता है, सारा पैसा खर्चा हो जाती है, और इतने बेटी। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा ना, जो व्यक्ति भगवान की भजन करेगा, ठाकुर जी सारे काम ठाकुर जी करते थे। जैसे नरसिंह भक्त का बेटी की बेटी, जैसे ठाकुर ने सावरिया सेठ बन करके गए और ठाकुर जी स्वयं उनकी शादी करवाया। इसलिए कहते श्री जो मनु महाराज के, कहते ब्रह्मा जी की जो 10 संतान थे, कहते नारद तो बचपन से बैरागी, उनको कोई शादी शुदा किया नहीं,
लेकिन उनका 9 और बेटे हैं। एक दिन ब्रह्मा जी देख मिलने के लिए आए श्री कर्दम ऋषि से। जब आए तब अपना 9 बेटे को लेकर के आए, और इनके पास में कितना बेटियां हैं? 9 बेटियां, 9 बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बहुत प्यारी है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। बोले जल्दी जल्दी शादी कर दो बेटियों को। फिर उन्होंने शादी करवा दिया 9 बेटियों को, पूरा घर खाली हो गया। अरे घर में रह गए 3 बेटे, और पति पत्नी और एक बेटा। जब बेटा रह गए, उन्होंने बोले ठाकुर जी तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए। अभी उनको पिताजी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न होता है कि तो भजन के लिए जा रहे हो, किसके लिए भजन के लिए जा रहे हो, किसको पाने के लिए? बोले ठाकुर जी को। बोले ठाकुर तो तुम्हारे घर में ही बैठे, घर में कपिल मुनि भगवान घर में है ना। जब ठाकुर जी घर में तुम्हारी, फिर तुम वन में ढूंढने के लिए क्यों जा रहे हो? घर में तो भगवान है ना। तब यहाँ पर शिक्षा देते हैं, पर उन्होंने 3 कारणों से उन्होंने घर छोड़ कर गया। पहला कारण है, बोले जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भगवान की भजन नहीं करेंगे ना, तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। भगवान रहने पर भी, भगवान को देखने पर भी हमारी उतना कोई लाभ नहीं होगा, अगर हृदय में भक्ति अगर नहीं हो। जैसे रावण ने राम को देखा कि नहीं? बोलो रावण ने राम को देखा है ना, लेकिन उसने क्या किया? सीता को उठा कर ले गया। राम के साथ में युद्ध किया कि नहीं? मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं? देखा, लेकिन उसने क्या किया? युद्ध किया, और नागपाश बंधन में ठाकुर को बांध दिया, लक्ष्मण को पर शक्ति से प्रहार की। मतलब तो उन्होंने ठाकुर को दर्शन किया, हुआ ही नहीं। भगवान के साथ में बैरी ठान लिया, बैरी ठान लिया। बताओ कंस कृष्ण को देखा कि नहीं? देखा है ना, लेकिन उसने क्या किया? पुतना को भेजे, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा। फिर कृष्ण साक्षात सामने खड़े, उसको अपना काल रूप में देख रहा है, चारों मुष्टिका से युद्ध करवाया, खुद मारने के लिए कृष्ण को कोशिश किया। यहाँ पर कहते भगवान मिलने पर भी अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं हो, वो दर्शन करने पर तुम्हारे कोई लाभ नहीं। देखो सामने हमारे गोपाल तो बैठे, ठाकुर तो बैठे गोपाल जी हमारे, लेकिन हमारी भक्ति नहीं होगा ना, ठाकुर को देख करके भी तुम्हारी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अभी भक्ति मिलेगा कैसे? बोले जब भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी जा करके धीरे 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 क्या होगा, हृदय में प्रेम आएगा। और विशेष करके कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, अगर तुम भगवान की प्रेम कर प्रेम पाना चाहते हो, एक ही काम करो। सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जोर करके बोलो सब, बोले हरे करते करते अपने आप भगवान में तुम्हारी प्रेम आ जाएगा। इसलिए हम लोग परसों यहाँ सुन रहे थे, भगवान कहते हरि नाम करने से तुम्हें 8 फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा? 8। क्या मिलेगा? चेत दर्पण मार्जन, तुम्हारी चित्तरूपी जो दर्पण ये साफ हो जाएगा। दूसरा लाभ क्या? बोले भव महातावाद निर्वाह, संसार का जितने दुख कष्ट है सब दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। कहते सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया है। तीसरा लाभ क्या है? बोले हृदय रूपी तुम्हारी तो कुमुदनी फौल है, भगवान के नाम रूपी चंद्रमा का किरण से तुम्हारे हृदय खिल जाएगा। बोले चौथा लाभ क्या है? कहते विद्या वधु जीवनम, कहते विद्या रूपी वधु का जीवन क्या? बोले भगवान का नाम। मतलब है हम लिखाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अगर लिखा पढ़ा करके अगर प्रभु का प्रति प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, तो कर भाई पढ़ाई लिखाई सब बता तुम्हारी। इसलिए मीरा कहती है पोथी पढ़ी पढ़ी क्या हुआ जग हुआ, पंडित बना ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सो। इसलिए अगर ढाई अक्षर प्रेम अगर पढ़ लिया तो वही पंडित है। इसलिए पढ़ाई का तभी सार्थकता है जब तुम्हारी भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो जाए।
क्योंकि जब ये शरीर छूट जाएगा तुम्हारी ये डिग्री फिग्री कोई भी काम में नहीं आने वाली, केवल एक डिग्री काम करेगी भगवान के अगर नाम तुमने जप किया। इसलिए अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। इसलिए जितने प्रभु का नाम जप करेंगे वही जाएगा है। और क्या होगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपद पद में नई नई आनंद की अनुभूति होगी। और एक दिन ऐसे होगा भगवान की प्रेम रस में पूरा पूरा तुम डूब जाओगे भगवान की नाम जप करने पर। इसलिए अभी उन्होंने घर में भगवान रहते हुए भी उन्होंने छोड़ करके संन्यास लेकर चले गए। घर में दो व्यक्ति रह गए, कौन, माँ और बेटा। देखो ज्ञान की कितनी महिमा है, हर समय जगत में क्या होता है, मैया बच्चों को उपदेश देती है, मैया बच्चों को हर चीज सिखाती है, लेकिन आज मैया स्वयं अपना बेटे को पास में जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल रहता है, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी घर में। देखना पुरुष लोगों का, पुरुष लोग तो पैसा कमा करके पत्नी को दे देते, लेकिन घर का चिंता ज्यादा किसके ऊपर रहता है, किसको ऊपर रहता है बोलो, ये माताओं के ऊपर ज्यादा चिंता ये माताएं करती हैं। बोले बेटा मेरा मन तो बड़ा चंचल है, हैं? तुम कृपा करके बताओ मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी संसार से। फिर भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया, बोले माँ ये जो मन है ना, ये मन सब कुछ है, जब ये मन को तुम भगवान की भक्ति में लगा दोगे यही मन ही मुक्ति की कारण बन जाएगी, लेकिन यही मन को जब तुम विषय में लगाओगे तब ये बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ ये मन को मनमोहन में लगा दो। बोले बेटा तो बोल दिया, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कहते वायु रेव सुदुष्करम, वायु को तो कहीं आप बंद करके रख सकते हो लेकिन मन को नहीं है। ये मन तो एक मिनट में विश्व ब्रह्मांड में चक्र काट करके ये मन आ जाता है, बताओ ये मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं। तब भगवान ने बोले देखे माँ, अगर ये मन को तुम कंट्रोल करना चाहते हो केवल एक ही उपाय, बल क्या है, बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरा मेरा साथ रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा मेरा साथ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। एक उपाय है, संतों का तुम संग करो, जब तुम संतों की संग करोगे ये मैं अपनी आप भजन में लग जाएगी। बोले बेटा तुमने बोल दिया संतों की संग करो, लेकिन संतों का भी तो कुछ पहचान भी होनी चाहिए ना, अभी क्या जिसको देखे उसको ही संत मान ले, इसलिए संतों का कुछ पहचान भी होनी चाहिए, इसलिए उसका कुछ पहचान तो बता दो। भगवान कहते बोले माँ संतों का कुछ लक्षण है, बोले क्या है, बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदैना अजात सत्र वसंता साधु भी साधु भूषण। देखो ध्यान देकर सुनो, संत मतलब ये नहीं जैसे हम लोग ये चोला पहन दिया ना हम लोग यही तो संत है, नहीं। शास्त्र कहता है घर में रहो नहीं तो जंगल में रहो, जो जहाँ रह करके जितना प्रभु की भक्ति करता है वो उतना ही बड़ा संत है। अगर तुम घर में रह करके भगवान की सबर उठ करके नहा धो करके तिलक लगाती हो, ठाकुर जी को पूजा सेवा करती हो, ठाकुर जी को भोग लगाती हो, तुलसी पूजा करती हो, भगवान का नाम लेती हो, गीता रामायण भागवत पढ़ते हो ना, तुम घर में ही साधु हो। भागवत में देखोगे अक्सर करके जितना सब कथा है ना, त्यागियों को कथा बहुत कम आएगा, अक्सर करके जितने कथा आएगी गृहस्थ की कथा आएगी। प्रहलाद महाराज घर में ही थे, ध्रुव महाराज घर में ही थे, अम्बरीश महाराज घर में थे,
भरत महाराज घर में थे, ये गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ भक्त ही घर में थे, उद्धव जिनकी चरण की धूल को प्रार्थना करते हैं, ये मत समझो जो घर छोड़ दिया वही साधु और हम लोग कुछ नहीं, नहीं। जो जहाँ पर रह करके जितना भजन करते हैं, अगर कोई आश्रम में रहते हैं लेकिन दिन भर खाते पीते हो सोते भजन नहीं करते, उसको क्या साधु बोलेंगे? नहीं बोला जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है गृह बने था के सदा हरी बोलिना के, घर में हो नहीं तो वन में हो, कहीं भी रहो भगवान की भजन करो। गृह हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं, भक्त भेद कर ले से कुभी भागे जाए। शास्त्र कहता है वो त्यागी हो नहीं तो गृहस्थ हो। हम आज सुनेंगे अम्बरीश महाराज घर में रहते थे, दुर्वासा जी बड़े योगी थे लेकिन उनको पानी पिला दिया अम्बरीश महाराज ने, वो इतने बड़े साधु हो लेकिन रहते थे घर में रहते थे ये है। इसलिए हम कहीं भी रह करके जब भजन करेंगे हम साधु देखते हैं, या कहते हैं साधु का लक्षण क्या होने चाहिए, बोले तितिक सब। तितिक सब मतलब होता है सहन करना। इसलिए जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए घर में भी देखना, अगर घर में तुम्हारी सहन शक्ति नहीं हो, बात बात में लड़ाई करते हो, बात बात में लड़ते हो झगड़ते हो, घर में शांति सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगी हैं, कभी नहीं मिलेगी। आश्रम में भी हो हैं, त्यागी हो, अगर बात बात में तुमको क्रोध आती है, बात बात में लड़ते हो झगड़ते हो, सहन नहीं है, गृह हमारे त्यागी जीवन में भी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, सहन शक्ति सीखो हैं, सहन शक्ति सीखो। ये साधु का पहला लक्षण। देखो एक संत थे, नाम देव के संत थे, कभी भी जिंदगी में इनके क्रोध कभी नहीं आता, जो कुछ बोल दो कभी क्रोध नहीं आता। एक समय कुछ लोगों ने सोचा, बोले बाबा को कभी क्रोध नहीं आता, आज इनको क्रोध दिलाएंगे। बोले कैसे? बोले गंगा स्नान करके जब आएंगे ना, उनके सर पर एक टोकरी कीचड़ हम डाल देंगे हैं। इतने में बाबा जब नहा करके आए, उनके सर पर एक टोकरी कीचड़ डाल दिया, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बोले, गंगा में गए फिर नहा करके आए, पर फिर जब नहा करके फिर और टोकरी डाल दिया, उनने कुछ भी नहीं बोले, फिर उनने 100 बार उनको सर पर कीचड़ डाले लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो उनके चरण में उन्होंने गिर पड़े, चरण में गिर करके बोले बाबा हमारी अपराध आपका चरण में हो गया, हमारी आपका चरण में अपराध हो गया है, आपको हमने क्रोध दिलाने के लिए 100 बार आपका सर पर हमने कीचड़। अब मेरे तरफ पे तो उधर क्या देख रहे हो, माता आपका ना बड़े बुरी स्वभाव है, बैठ जाओ सब। इसलिए कहते आपका सर पर हमने 100 बार हमने कीचड़ आपको डाल दिया, इसलिए आप हमारे अपराध हो गए। देखो संत क्या कहते, हर चीज को प्रतिकूल रूप में नहीं, हर चीज को अनुकूल रूप में लेनी चाहिए। देखो संत क्या कहते, बोले तुम्हारी जैसे हमारी कोई मित्र नहीं होगा। बोले क्यों? बोले रोज में एक बार गंगा नहा करता, लेकिन आज तुम लोगों के लिए कितना बार गंगा में स्नान कर दिया, बोलो। मेरे तरफ तो देख नहीं, उधर देख रहे, 100 बार हमने गंगा नहा लिया, तुमने कीचड़ डाला तभी तो नहा लिया, नहीं तो कैसे नहाता। इसलिए कोई भी चीज घर में होना, कोई चीज को प्रतिकूल रूप में नहीं लेकर के अनुकूल रूप में, वो चीज को अनुकूल रूप में लेनी चाहिए। इसलिए कहते भक्ति करने के लिए अगर चाहते हो, संसार में अगर सुखी बनना चाहते हो, हर चीज को सहन करो। क्या करो, क्या करो, सहन करो। क्रोध नहीं करनी चाहिए, बात बात में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो नहीं। इसलिए ये संतों का पहला लक्षण है। उसको बाद में बोले तितिक सर्व कारुणिको, कारुणिको मतलब बड़े दयालु होते हैं। बोले सुहृद सर्व दयिनाम, कहते वसुधैव कुटुंबकम, सबको समझता है, हम एक पिता की हम सब संता, हमारे एक पिता कौन है, तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधु सखा, तुमैव तुमैव विद्या द्रविण, तुमैव तुमैव सर्वम, हमारे एक पिता है भगवान ही, हम एक पिता की हम सबके सब परिवार, सब पूर्ण वसुधा के हम एक एक कुटुंब है सबके सब हैं। इसलिए ऐसे संतों की बहुत गुण उन्होंने बताया। बोले माँ ये संतों का सबके सब गुण है,
अगर ऐसे संतों को तुम संग करोगे तो क्या होगा? बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदम भवति हृत्कर्ण रसायन कथा ताज्जोसन आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले ऐसे अगर संतों को तुम संग करोगे, कहते जैसे संग करोगे ना तुम्हारी रंग वैसे बन जाएगा। अगर किसी चोर को साथ में बैठोगे तो क्या बन जाओगे? चोर बन जाओगे। अगर किसी शराबी को साथ में बैठोगे तो क्या बन जाओगे? शराबी। किसी जुआरी को साथ में बैठ जाओगे तो जुआरी। अगर किसी साधु को साथ में बैठोगे तो क्या बनोगे? साधु बन जाओगे। इसलिए माँ तुम संतों की संग करो। जब संतों की संग करोगे, मेरी कथा सुनते 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 अपने आप मेरे चरण में तुम्हारी मन लग जाएगी, है फिर श्रद्धा, फिर रति, फिर मेरे प्रति प्रेम आएगा। इसलिए कहते अपवर्ग वर्त्मनि। अगर तुम कथा सुनोगे तो बोले प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ और म, ये प वर्ग है। तब लिखे पड़े हो ना, हाँ जब तुम्हें प वर्ग प का वर्ग का खा गा घ हुआ, हाँ का चा चा वर्ग चा छा जा से निया, त वर्ग टा टा डा ढा ना, ये कहते प वर्ग प फ ब भ म, कहते सब के सब नष्ट हो जाएगा। प मतलब बोले परिश्रम, कहते तुम्हारे सारे परिश्रम में सार्थकता हो जाएगा संग करोगे तो। बोले कैसे? ये चीज को समझो, एक भक्त का जीवन देखो, एक विषय का जीवन देखो, दोनों ऊपर में बराबर लगता है। एक जो विषय लोग चाहता है विषय भोग कर, क्यों पैसा कमाए, मेरे बीवी बच्चे मेरे परिवार को पालना करना। लेकिन एक संत, एक गृहस्थ जो भक्त है वो भी परिश्रम करता है, लेकिन वो क्यों पैसा कमाता है? बोले मेरे परिवार में सबके सब भक्त है, भगवान का नाम करते हैं, भक्ति करते, भजन करते हैं। मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, घर में ठाकुर जी है, अगर पैसा नहीं होगा तो ठाकुर को सेवा नहीं सकूंगा, बस काम हो गया तुम्हारी। लेकिन ये भावना कब आएगी? बोले संतों की जब संग करोगे, नहीं तो हम ही भोग करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, मेरी बीवी बच्चे। लेकिन जो भक्त है ना, वो मेरे मैं मेरा नहीं करेगा। इसलिए बकरी मैं करता है, इसलिए मरता है। वो सोचेगा मेरे जो पत्नी है भगवान की दासी है, मेरे घर में जो बच्चे है ना वो ठाकुर ने ये बच्चे दिए, सब ठाकुर के बच्चे हैं। घर में जो रसोई बनेगी, ये रसोई क्या होगा? ठाकुर जी को सेवा में लगेगा, ठाकुर जी की भोग लगेगा, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। रसोई बनाता है, एक विषय भी भोग रसोई बनाता है, एक भक्त भी रसोई बनाता है। लेकिन एक विषय जो रसोई बनाता है, प्याज लहसुन डाल करके मैं खाऊंगा, मेरे 25 बच्चे खाएंगे प्याज लहसुन, भगवान की तो भोग नहीं लगेगा। वो देखने के लिए लगता है कि आप ये भी परिश्रम करता है। एक भक्त भी घर में रसोई बनाता है, बोले क्यों? बोले पहले गोविंद घर में ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए बगैर प्याज लहसुन के भोग लगाते, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। पुराण में कथा आया है, जो प्याज है ना, कल तो सुनाया था, राक्षस का मांस से बना हुआ है। देखो दूसरे पुराण में कथा आती है, बोले पहले पहले ऋषि लोग पहले गैया पालते थे आश्रम में। गैया गो माता है, अगर कोई बुरी हो जाती तो उसको मरने नहीं देते थे, क्यों? गो माता है। उसको ऋषि मुनियों को बुला करके यज्ञ करके उसको बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र शक्ति होता था, जब मंत्र पढ़ते थे फिर गैया जवानी बन जाती थी। अभी आश्रम में कोई गैया बूढ़ी हो गई, सब संत लोग एकत्रित हुए, गैया को बलिदान दिया और सबका हाथ में मांस डाल दे दिया। हर तरह के व्यक्ति, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अभी मांस दे करके खाने की इच्छा हो गई। बोले सबको सामने कैसे खाए, अभी इसको मैं छुपा देता हूँ, राख छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले। जब मंत्र पढ़े फिर गैया जवानी बन करके निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को छुपाया था वो घाव बना हुआ, वो भरा नहीं, क्यों? वो मांस आहुति में डाला ही नहीं। ऋषि तो साधारण थे नहीं, वो त्रिकाल दृष्टा थे, उन्हें ध्यान लगाया इसका शरीर भरा क्यों नहीं, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया रखो, अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर ये मांस को काट दिया, जैसे मांस लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज के पौधा हो, जैसे मांस से बदबू निकलती है। अब देखो कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू निकलेगा, अब बात नहीं कर सकते हो, यहाँ प्याज काटोगे तो इसकी दुर्गंध चार तरफ में फैल जाती है, हैं? प्याज की छोंक दो तो दुर्गंध फैलती है, इसलिए उससे बदबू निकलेगी। जहाँ हड्डी काट दिया वहां पर लहसुन की पौधा होगी, जहाँ पर खून का बूंद गिरी वहां पर मसूर का लोग, इसलिए अभिशाप से है। इसलिए नवरात्रि जब आती है ना, जिसमें 9 दिन तक
इसको कोई नहीं ग्रहण करते नवरात्रि का दिन, पर ये ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगता है, किसी देवता की भोग में ये नहीं लगता है। क्यों? इसका जो सृष्टि है ना वो गंदी चीज से सृष्टि हुई है, इसलिए तुम्हारे घर में भी देखो एक दो पीढ़ी पहले तुम्हारी घर में भी नहीं आती होगी, क्योंकि हर हिंदू घर में पहले ठाकुर जी को भोग लगता था, भगवान की भोग के बगैर कोई खाते नहीं। सब ये चीज कहाँ से फिर आई? बोले सब मुगल लोगों ने लाए, ये सब ये मुसलमान लोगों ने लाए, और धीरे 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 खिला करके हम सब मुसलमान बनाने लगे। पहले प्याज शुरू करते, फिर अंडा लाओ, फिर मांस लाओ, फिर दारू लाओ, बस हो गया काम। इसलिए क्या करो, कहीं भी रहो भगवान की भक्ति करो। इसलिए प वर्ग मतलब होता है परिश्रम, लेकिन जब परिश्रम हम ठाकुर जी के लिए करते हैं बोले वो परिश्रम का सार्थकता है, भगवान देख करके तुम्हारे पर आशीर्वाद करेंगे। मतलब होता है फेन, फेन मतलब होता है झांक। कभी कभी इतने परिश्रम करते हैं संसार में, हमारा देखना मुंह से झांक निकला है, झांक निकला थी। लेकिन अगर घर में ठाकुर को सेवा होता है, ठाकुर को पूजा होती है, लेकिन उसका जो परिश्रम है ना वो परिश्रम ठाकुर जी को सेवा के लिए हो रही है, वो सार्थकता है। बोले ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय, और म मतलब मृत्यु। जो साधु संघ में कथा सुनेगा कि जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए निकल जाएगा, हाँ वो मृत्यु को भी जय कर लेगा। आप बोलोगे क्या संत मरते नहीं है? हम भी मरते, संत भी मरते हैं। एक उदाहरण दिया, आप लोगों ने बिल्ली देखे हो? कौन कौन बिल्ली देखे हो? सबके सब बिल्ली देखे। आप देखना वो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसका माँ मुंह में पकड़ करके ना उसको 10 बार इधर उधर करते रहे, 4 दिन घूमते रहे। लेकिन जब अपना उसी मुंह से जब बिल्ली को पकड़ता है अपना बच्चे को, बच्चा बड़ा खुश होता है, मैया मेरे को पकड़ी, जैसे माँ जैसे बच्चे को गोद में ली। उसी मुंह से वो बिल्ली अपना बच्चे को पकड़ता है, लेकिन जब उसी मुंह से चूहा पकड़ती पर चूहा का प्राण ले लेती है। उसी तरह जो काल है ये भक्त भी मरते हैं, साधारण लोग भी मरते हैं, लेकिन जब भक्त लोग मरते हैं जो काल है जिसे बिल्ली अपना बच्चे को पकड़ने पर बच्चे वहाँ वहाँ करता है हाँ और बड़े खुश होता है, कहते भक्तों को कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना फिर तो ये काल डंडे मार मार कर उसको ले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते माँ अगर तुम तो संतों की संग करोगे ना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ तुम्हारे जीवन जन्म मृत्यु के चक्कर से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए माँ अगर संसार से पार होना चाहते हो कहते संत के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी है। तब उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देकर देख माँ जब मातृगर्भ में बच्चा का 7 महीना हो जाए उसी समय में उसको ज्ञान आता है। और माँ के पेट में कैसे रहता है? सर नीचे और टांग ऊंचा रहता है, हैं? और पेट में क्या है? टाटी पेशाब खून पी। और जब बच्चा है ना, जब छोटा बच्चा होता है पहले उसका चमड़ा भी नहीं होता है, उसमें कीड़े भी काटते हैं। और माँ के पेट में जब बच्चे हो माता को चटपटी मीठी खट्टी और नमकीन और मिर्ची सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और बच्चे को शरीर में बड़े कष्ट देता है। फिर भगवान को बुलाता, ठाकुर जी मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया जो मेरे को ये नरक में आना पड़े? ठाकुर जी मेरे को संसार से निकालो, मातृगर्भ से निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे? बोले एक बार मेरे को अगर नरक से निकाल दोगे मैं कसम खाता हूँ कान पकड़ करके कभी भी ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। सही सही बता रहे हो? बोले प्रभु मैं सही बता रहा हूँ, कसम खाता हूँ, कसम खा रहा हूँ कभी भी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं। 3 रात उठते बैठते भगवान की नाम जप करोगे। भगवान क्या कहते हैं? कहते यहाँ कष्ट पा करके बोल रहे हो, फिर जब जन्म दे दूंगा। बोला कौन भगवान को जानता है? बेकार बात बजे बोले ऐसे तो नहीं करोगे। बोले प्रभु नहीं। कहते देखो बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग। आप लोग नजर लगा कर देखे ना जब बाल पकता है कान से अक्सर करके देखो सबको देखो जब पहले बाल पकेगा सबका यहीं से मतलब कान में पहला बेल दे दिया। बोले क्या बात है तुम बोल कर गया था ना मेरे भजन करोगे भक्ति करो, कितना समय टीवी देखते हो, कितने समय स्मार्टफोन देखते हो, कितने समय तुम भजन करते हो, कितने समय इधर उधर की बात करते हो, तुमने बोला था ना भजन करोगे नाम करोगे
लेकिन जब एक बाल पक जाए ना, हम फिर उसको उखाड़ देते, बोले हम बुढ़ा हो गए थोड़ी, हम कुछ नहीं हुए। फिर दो बाल पक जाएगा उसको भी उखाड़ दोगे। लेकिन जब खिचड़ी बच जाता है ना, फिर क्या करते हैं, फिर मेहंदी लगा देते हैं, फिर उसमें कलर कर देते हैं, कहते हम बुढ़ा बुढ़ी कुछ नहीं हुए, हम चखे हैं। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंखों में कमजोर आ जाएगा, फिर हम बढ़िया चश्मा पहन लेते हैं। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर 32 दांत लगा करके खिलखिला कर हंसते, बोले हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले दो प्यार से तीन प्यार कर दूंगा, बोले कमर टेढ़ा कर दूंगा, हैं, फिर चल नहीं पाओगे, फिर डंडा पकड़ करके फिर चलना। ये कहते एक एक वार्निंग ऊपर से आता है, तुम्हारे समय हो गया जाने का, तो भगवान से वायदा करके आया था, भजन करोगे, हरि नाम करोगे, कितने हरि नाम, ये सब वार्निंग ही है। फिर जब ये नहीं सुनेगा, कहते फिर ठीक थी वार्निंग नहीं दूंगा, फिर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब देखना जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं, देखे कि नहीं, उसके लिए आरती सजाते हैं और सर पर एक तकिया रख लेंगे, हाथ पैर को बांध देते हैं और चार व्यक्ति उसको कंधे पर लेकर के क्या कहते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात छूटा है। इसका मतलब क्या है, उसको कहते हैं देख बेटा, जिंदगी में तुम जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया केवल तुमने झूठे में संसार बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ में कोई जा नहीं रहे। पत्नी जाएगा तो रो रो कर कहां तक जाएगी, दरवाजे तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं चलेगी, और परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको यही सुनाते सुनाते ले जाते हैं। आप लोग अगर कभी देखे होंगे, जब उसको ले जाते हैं ना, उसको सर में तकिया रहता है, तकिया लगा देते हैं, हाथ पैर को बांध देते हैं, उसको कहते राम नाम सत्य है। मतलब क्या बेटा, अभी तो राम नाम ले, अभी तो तू कृष्ण का नाम ले, जिंदगी भर ले नहीं, अभी तो कम से कम ले ले। देखना उसका सर में तो तकिया पर हाथ पैर पे बंधा हुआ शरीर था, उसको कहते राम नाम सत्य है, राम का नाम ले, बोले अभी भी नहीं लूंगा, अभी भी नहीं लूंगा राम का नाम, बोले अभी भी लूंगा नहीं, मर गया तभी भी नहीं लूंगे, चलो अभी तेरे को दिखाते हैं। फिर चिता सजाते हैं, चिता में लेटा देते हैं, फिर बेटा कहाँ पर उसको मुंह में आग देते हैं, बेटा कहाँ पर आग देता है, मुंह में क्यों आग देता है तुम पता है, कहते भगवान तुमको ये 84 लाख जन्मों के बाद में मानव शरीर दिया था, जिस शरीर से तुम भगवान के नाम जप कर सकता था, लेकिन इसी मुंह में तुमने प्रभु का नाम नहीं जप किया, दुनिया की बात तुमने की, तेरे मुंह में आग है, इसलिए आग देते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव जगत में, भक्ति जगत में, उनको मुंह में आग नहीं देते, कहाँ देते हैं, चरण में। बोले चरण में क्यों देते हैं, बोले ये अग्नि देवता है, ये अग्नि देवता है, बोले जिसने ये जीवन पा करके हरि का नाम किया, भजन किया, ये अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहा है, अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रही है, इसलिए वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं। ये कौन सुना रही, माँ अपना, माँ को भगवान खुद ये बात सुना रहे हैं, बोले माँ जीवन रहते हुए क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए। भगवान कहते माँ अगर किसी चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ लेकिन ये प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, वो चंडाल से भी दया होता, इसलिए भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो माँ, ये जीवन पाकर भगवान की भजन में लग जाओ, तभी ये जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। माँ को उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दे करके फिर चले गए, कहाँ पर चले, गंगा सागर। कोई गंगा सागर गए हो, कोई नहीं गए, कौन गए, एक दो माता, और कौन जाना चाहते हैं बोलो गंगा सागर, आपको सब जगह ले जाएंगे, कोई चिंता मत करो, आपको जीवन में सब जगह एक बार घुमा लेंगे।
हैं? कितना सारे तीर्थ बारह बार गंगा सागर एक बार है, बोले गंगा सागर कितना महिमा भागवत में कथा की। जब श्री कपिल मुनि की अभिशाप से सगर महाराज के 10,000 पुत्र मर गए, अभी वो हाहाकार कर रहे थे, बोले हमें उधार करो, हमें उधार करो। कपिल मुनि से पूछे कैसे पूर्वज की उधार होगी, बोला अगर गंगा को कोई ला सकते हैं, गंगा अगर उनको स्पर्श कर ले उनको मुक्ति मिल जाए। उनकी वंश में अंशुमान दिलीप बड़े बड़े लोग आए, तपस्या की, लेकिन कोई भी गंगा देवी को नहीं ला सके। लेकिन जब भगीरथ ने आया, उन्होंने ऐसे कठोर तपस्या की, गंगा देवी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई, बोले मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास में दो समस्या हल करो पहले। बोले क्या? बोले जब ये मरते जगत में मैं आऊंगी, सब पापी लोग आकर स्नान करेंगे। हम कहते हैं ना, चलो गंगा में स्नान करके पाप को धोवाए, हैं बोलते हैं ना, गंगा में स्नान करके पाप, अभी मेरे पाप को कौन लेगा? ये एक समस्या। दूसरी समस्या, मेरे तेज इतने प्रखर तेज है, उसको कौन धारण करेगा, नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगा। तब उन्होंने श्री भोले बाबा को उन्होंने राजी किया। शंकर तो प्रसन्न हो गए, बोले अहो भाग्य है, गंगा भगवान की चरणामृत और सर पर गंगा जी को मैं धारण करूंगा। और बोले दूसरा समस्या है कि पाप कैसे जाएगी, बोले जैसे पापी लोग स्नान करेंगे, संत लोग भी तो स्नान करेंगे। संतों में इतने शक्ति, जब संत ये गंगा स्पर्श करते हैं, गंगा सारे पाप, गंगा के सारे पाप को संत लोग ग्रहण कर देते हैं, उसको पवित्र बना देंगे। फिर ये पतित पावन गंगा आई, आ करके जहाँ पर गंगा सागर है वहीं पर उन्होंने जब जा करके उनको ऊपर से होते हुए चली गई, हजार हजार साल के बाद में। देखो गंगा की कितने पवित्रता, उनको राख भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितना हजार साल पहले सब मरे, लेकिन केवल जब गंगा उसको ऊपर होते हुए चली गई सबके सब उधार हो गए। इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर जाओगे हम लोग गंगा सागर। देखो अगर जाना चाहते हो, जब होली आता है, नवद्वीप परिक्रमा है, उस समय में हम लोग नवद्वीप जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और उसको पास में ही गंगा सागर है, हैं? हमारे साथ में बहुत भक्त लोग को लेकर हम लोग गंगा सागर गए। अगर गंगा सागर जाना चाहते हो, होली के लिए तैयारी हो, होली आप लोग नवद्वीप में बनाना, और वहीं पर गंगा सागर में वहीं पर सबके सब नहा लेना, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय सतगुरु, जय जय श्री राधे। हाँ एक भजन सुन, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा Oh,
Hari 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 Hari
देहूती और प्रसूति कहते ये प्रसूति का जो साथ है ये दक्ष प्रजापति का साथ है और उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी उनको 13 कन्या हो लेकिन जो उनकी सबसे जो छोटी बेटी थी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम थी सती। उनकी आंख कैसे बोले मृग्या नहीं बहुत ही, इसलिए शंकर जी कभी कभी कहते हैं अरे पार्वती तो बड़ी सुंदरी हो तो बहुत प्यारी हो, इसलिए उन्होंने सबसे जो छोटी बेटी की शादी उनने शंकर जी से करवाया। लेकिन उस युवती अवस्था में ही उसने अपना प्राण को त्याग दे दिया। बोले क्यों? बोले अपना ससुर और दामाद में लड़ाई हो गई है, शंकर जी से दक्ष प्रजापति में लड़ाई हो गई। इतने में श्री सुखदेव परीक्षित कहते क्यों शंकर तो सत्यम शिवम सुंदर जोगी जोगी महाजोगी है और शंकर जी बड़े दयालु है सबके हृदय में भगवान को दर्शन करने वाले और भगवान की सबसे बड़े भक्त कौन है शंकर जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बोले शंकर जी के जैसे कोई भगवान के इतने बड़े भक्त कोई नहीं हो सकते। इसलिए देखना हर अवतार में भोले बाबा आते हैं, जब भगवान राम अवतार में आए तब भोले बाबा किस रूप में आए बोले हनुमान जी, हनुमान जी और आकर के उन्होंने कितने राम की सेवा की। इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शांति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शांति मिले ना हनुमान के बिना, हर दुनिया चले ना श्री राम के बिना, शांति चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, शांति चले ना हनुमान के बिना। हर अवतार में श्री भोले बाबा किसी ना किसी रूप में प्रभु राम की सेवा करते हैं। जब कृष्ण रूप में आए, जब कृष्ण रूप में आए बैठे सामने बैठे, इसलिए जब वो कृष्ण रूप में आते हैं उस समय शंकर जी हम आगे सुनेंगे, शंकर जी गोपीश्वर महादेव रूप में आए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय, बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। तब उन्होंने श्री गोपेश्वर महादेव रूप में कौन आए श्री भोले बाबा। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में ठाकुर जी आते हैं कहते श्री अद्वैत आचार्य बनकर, मतलब शंकर जी के बगैर बात मत करो इधर देखो मेरे तरफ। इसलिए कहते शंकर जी के बगैर है ना कोई भी ठाकुर जी का कोई लीला नहीं होता है, हर लीला में श्री भोले बाबा किस ना किस रूप में भोले बाबा आते हैं। इसलिए भोले बाबा तो बड़े दयालु बड़े कृपालु। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं फिर उनको ससुर दामाद में लड़ाई क्यों, इसका क्या कारण है? उसका कारण बताए कि जब से ब्रह्मा जी के दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति बना दिया है, बड़े उच्च पोस्ट दे दिया, कहते प्रभुता पाई काम मदना है। ये जो पोस्ट ऐसे की चीज है ना, बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको कोई ऊंचा पोस्ट मिल जाए जिसके अंदर में अहंकार और अभिमान नहीं आए, ये जरूर ले आता है। एक समय कुंभ मेला में प्रयाग में सारे देवता लोग आए, सारे देवता लोग और जो दक्ष प्रजापति वो जान बुझ करके लास्ट में आया, क्यों जब लास्ट में मैं आऊंगा सब के सब खड़े होकर मेरे को स्वागत करेंगे। जब उनने प्रवेश किया सब देवता खड़े होकर उनको स्वागत की, लेकिन केवल दो व्यक्ति खड़े थे, कौन कौन? एक भोले बाबा एक ब्रह्मा जी। दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे देख रहा था,
यहाँ पर कौन कौन बैठे, और मैं आने पर मेरे को कौन कौन स्वागत करता है और कौन स्वागत नहीं करता है। देखा सबके सब खड़े हुए, लेकिन वो दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। बोले भैया कोई बात नहीं, जो ब्रह्मा जी हमारे पिताजी है, हैं ब्रह्मा जी की संतान ये दक्ष प्रजापति, कोई बात नहीं ब्रह्मा हमारे पिता, लेकिन ये जो भोले बाबा शंकर जी ये तो मेरे दामाद है, और दामाद अपना बेटा होता है, बेटा होता है दामाद, और मैं ससुर आया हूँ, और सबसे प्यारी सबसे छोटी बेटी सबसे सुंदरी मेरी जो बेटी थी मैंने इसको साथ में मैंने शादी करवाया, और ससुर जी आए थोड़ी सी खड़े होकर के मेरे को सम्मान भी नहीं कर पाए। शंकर जी को उन्होंने जो गाली दिया ना, इतने गाली दिया, देखो बंदर जैसे आंख लाल लाल करके बैठा हुआ है, ब्रह्मा जी बोलने पर अपना छोटी बेटी सबसे प्यारी बेटी को मैंने शादी दिया, और ससुर आया तो थोड़ी सी खड़े होकर के सम्मान तक भी नहीं कर पाए, इतने उन्होंने गाली दिया उनको। लेकिन शंकर जी बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे थे। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली दोगे, वो व्यक्ति अगर मुस्कुराएगा क्या होगा, और भी क्रोध आएगा, बोले देखो ये बेशर्म हो, इसका कोई लाज शर्म है नहीं, मैं गाली दे रहा हूँ और बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं, बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे ना, अभिशाप ऊपर गाली ऊपर गाली देने लग गई है, इतने गाली दिया, बोले इसको कोई जगह का भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। वहां पर श्री नंदी थे, नंदी को शंकर जी की बात, कद हरी हर निंदा सुने जे काना, हई पाप को घात समाना। इसलिए कभी भी शंकर जी की और भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, सुनने से वो हत्या पाप लगता है। बोले शंकर जी यहाँ चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे शंकर जी, और इसका तो फायदा उठा रहे हो। शंकर जी ऐसे अगर तीसरा नेत्र खोल देना विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है, ये चुपचाप बैठे उसका लाभ तो उठा रहे हो, तो बकरी जैसे बकबक बकबक करते जा रहे हो। मैं अभिशाप देता हूँ तेरा सारा सर कट जाएगी, वहाँ पर बकरी का सर लग जाएगी। उन्होंने अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दिया वहाँ पर भृगु ऋषि बैठे हुए थे। भृगु ऋषि बोले तुम बीच में कौन होता है, ये ससुर दामाद का लड़ाई हो रहा है और तुम बीच में तुमने ये अभिशाप दे दिया है, बकरी का गला लग जाए, तू बीच में कौन होता है। इसने में भृगु ऋषि ने उन्होंने अभिशाप दे दिया है, भृगु ऋषि भी उन्होंने भी शंकर जी के भक्तों को उन्होंने अभिशाप दिया। बोले भव प्रता धरा जे चतान समान प्रता पाखंड नस्ते भवंतु शस्त्रास्त्र परिपंथी न। उन्होंने बोल दिया देखो जो व्यक्ति शंकर जी का व्रत रखेगा, जो शंकर जी की पूजा करेगा, सब के सब पाखंडी हो जाएंगे, गंजा फूकेंगे, स्मशान में बैठेंगे, स्मशान में बैठेंगे, सबके सब भ्रष्टाचार हो जाएंगे। उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। उनको जब अभिशाप दे दिया, इतने में जितने शंकर जी के भक्त थे उनको भी क्रोध आ गया। बोले जितने शंकर जी के भक्त को तो पाखंडी बना दिया, सबके सब तो पाखंडी बना दिया, उन्होंने भी उनको अभिशाप दे दिया। बोले मैं भी अभिशाप ये ब्राह्मण समाज को देता हूँ, बोले ये सबके सब गरीब युग में सब भिखारी बन करके घर घर घूमते रहेंगे और घर घर ये भटकते रहेंगे भिखारी बन करके। उन्होंने भी उनको अभिशाप बैठिया इसलिए उन्होंने भी उनको अभिशाप दे दिया। दोनों सपासपी होना शुरू हो गया। इतने में शंकर जी ने देखा हे भगवान कहाँ ये स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो सपासपी होना शुरू हो गया। शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, शंकर जी चुपचाप वहां से चले। देखो इसका रहस्य समझो, जब दक्ष प्रजापति आए, अगर उनका बेटी को साथ में शंकर जी के साथ दी ससुर लग गए, तब शंकर जी खड़े होकर क्यों सम्मान नहीं किया, ये चीज को समझ। शंकर के अंदर में कभी गलती हो ही नहीं सकती, शंकर कभी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि शंकर जी देवदेव महादेव है, और जो सत्यम शिवम ये सुंदरम, इनसे कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने खड़े होकर के अरे सम्मान नहीं क्यों किया, इसका दो कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताए शंकर जी के परम वैष्णव, ये बहुत बड़े संत महाभागवत है, सभी का हृदय में ये भगवान को दर्शन करने वाले, इसलिए इसका नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष मतलब क्या है, बोले संतान जन्म देने में दक्ष है, भक्ति में दक्ष नहीं है, लेकिन शंकर तो परम साधु है, सभी का हृदय में ठाकुर को दर्शन करने वाले, वो स्थूल देह को दर्शन करने वाले नहीं, इसलिए उनका हृदय में जो ठाकुर जी थे उन्होंने शंकर जी मन मन में उनको प्रणाम किया। लेकिन ये दक्ष प्रजापति ये चीज को समझा नहीं,
है। दूसरा कारण था, जब आप ठाकुर जी को प्रणाम कर लो ना, जब ठाकुर जी के चरण में सर झुका दो, भगवान को अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। कल हम सुन रहे थे ना, भगवान को अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, 33 करोड़ देवता विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में। जब ये गोपाल जी को तुमने प्रणाम कर लिया, फिर दुनिया में और किसको प्रणाम करने का जरूरत नहीं। इनके चरण में सर झुकाया मतलब सबका चरण में सर झुका दिया। क्यों? ये ठाकुर कृष्ण को अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए शंकर जी की उच्ची भाव को उन्होंने नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया है। जब अभिशाप दे दिया, देखो और एक चीज को समझो, एक तरफ में नंदी अभिशाप दे रहे हैं किसको, जितने ब्राह्मण समाज को, जितने ब्राह्मण लोग अभिशाप दे रहे हैं शंकर जी के भक्तों को, जितने शंकर जी के भक्तों को पाखंड पाखंड बना दिया, ये सब के सब गंजा पिएंगे, श्मशान में बैठेंगे, राख मलेंगे, सबके सब नष्टाचार हो जाएंगे, गाली दिए। इनकी गाली भी कभी नष्ट नहीं होगा, इनकी गाली भी कभी ये नहीं होगा, मतलब फलीभूत नहीं होगा, जरूर फलेगा। पर इसका मतलब क्या, देखो इस चीज को समझो। इसलिए शंकर जी का दो रूप है, कितना रूप है, एक इनकी सदाशिव रूप है और इनका एक रुद्र रूप जो संहार करते हैं। इसलिए उनका जो सदाशिव रूप और जो भजन करते हैं वो भगवान की भक्त मान करके शंकर जी उनके ऊपर कृपा करते हैं और भगवान की प्रेम देते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं शंकर जी हैं, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है। लेकिन इनका एक रुद्र रूप जो संहार करने वाला रूप, कहते अगर इन गुरुओं को जो भजन करेगा आप, जिसको भजन करोगे ना उसका गुण कुछ आएगा। आप बताओ रावण किसको पूजा करता था, किसको पूजा करता था, शिव के है ना। लेकिन उसका गति किया, वो सीता भी उठा कर ले गया, भगवान राम से युद्ध किया, क्या शंकर की ये बुद्धि दी हो तो सीता को उठा करके ले आ और भगवान से युद्ध कर, इसका बुद्धि ऐसे क्यों हुआ है। भागवत में फिर आएगा काशी राजा, ये भी शंकर जी की पूजा करता था, शंकर जी की पूजा करके भगवान से लड़ाई करने के लिए गया, कृष्ण से लड़ाई करने के लिए गया। इसलिए शंकर जी का जो एक स्वरूप रुद्र स्वरूप है, अगर रुद्र स्वरूप जिसको पूजा करके उसका गुण आएगा। शंकर जी रुद्र स्वरूप में क्या करते हैं कि जगत को संहार करते हैं, अगर उनका भक्ति करो तो। अक्सर करके देखोगे शास्त्र में जितने शंकर जी के भक्त हो गए, एक भी वृकासुर भस्मासुर नाम सुने सुनेंगे नहीं, उसने नारद से पूछे, बोले नारद बाबा बताओ कि जगत में ऐसे कौन सा देवता जो जल्दी से जल्दी खुश हो जाए, बोले एक भोले बाबा है जो जल्दी जल्दी खुश हो जाते हैं। बस शंकर जी को पूजा शुरू कर दिया, लेकिन तब भी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। फिर उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करके अपना मांस को काट काट कर आहुति देने लग गया, तब भी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। फिर तलवार लेकर के अपना चोटी पकड़ कर जब गला को काट करके आहुति देना चाहते, शंकर जी प्रकट हो गए। बोले बताओ भैया मरना नहीं, बताओ क्या चाहिए। बोले मैं जिसका सर पर हाथ रखूंगा वो जल करके राख हो जाए। बोले बाबा वरदान दे दिया, वरदान दे दिया तो बोले वरद आप ही दिया, अभी तो परीक्षा तो करूँ, आपने सच बोला ना झूठ बोला, आपने क्या किया। देखा शंकर जी के बगल में पार्वती बड़ी सुंदरी, बोली ये तो दिन भर आंख बंद करके तपस्या करता है और इतने सुंदर स्त्री को क्या करना। फिर बोले जब तक इसको मारूंगा नहीं ये स्त्री नहीं मिलेगी। बोले आपने वरदान दिया ना, मैं आपका सर पर हाथ रख के परीक्षा करूंगा। शंकर बोले मैंने वर दिया, मेरे सर पर हाथ रखोगे। शंकर तो भागे वहां से और ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा, भागे भागे छोड़ नहीं रहा है पीछा। कितने में भगवान विष्णु को स्मरण किया, भगवान विष्णु बालक रूप में प्रकट हो गए। बोले कहाँ भाग रहे हो। बोले ये भोले बाबा मेरे को वरदान दिया, जिसके सर पर हाथ रखूंगा जल करके राख हो जाएगा, मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, भाग रहे। बोले तुम भी पागल, ये भी पागल, दोनों पागल इकट्ठे हो गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति इनको अभिशाप दिया है ना, इनकी वरदान में कोई ताकत नहीं रह गया, उसको पता है झूठ बोल दिया इसलिए तो भाग रहा है। तेरा सर क्या और कहीं चला गया तो अपना सर पर हाथ रख लेना। बोले जल करके राख हो जाता। बोले अरे तू पागल, पहले सर पर क्यों हाथ रखे, ऊंचाई से हाथ रख, हाथ रख। बोले कोई गर्म हाथ आ रहे हैं। बोले नहीं। बोले अरे कुछ नहीं होता, नीचे कर, नीचे क्या। बोले कोई गर्मी आ रहा है। बोले कुछ नहीं आ रहा है। बोले अरे कुछ नहीं होता है, हाथ रख बस। हाथ रखा तो वहीं पर जल करके राख हो गया। फिर भोले बाबा प्रकट हुए। भगवान ने कहा भोले बाबा जब भर दिया करो, सोच करके दिया करो, आप किसको दे रहे हो, और जब विपद में पड़े फिर मेरे को बुलाते हो। बोले प्रभु ये लोग मेरे को तपस्या करके मेरे को बसीभूत कर लेते हैं, मेरे को पता आप मेरे प्रभु हो,
मैं जानता हूँ मेरे ऊपर कभी विपत्ति आई या नहीं, आप जरूर बचाओ। अभी प्रश्न होता है शंकर जी को पूजा करके इनका बुद्धि ऐसे क्यों? लेकिन आप कभी नहीं देखोगे कोई विष्णु भक्त हो, राम कृष्ण का भक्त हो, कभी अभी नहीं देखोगे। तुलसीदास को देखो, ध्रुव जी का देखो, मीरा बाई की देखो, तुलसीदास को, हनुमान जी को देखो, प्रहलाद को देखो, कभी देखोगे नहीं। क्योंकि आप जिसको भक्ति करोगे ना उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा। अगर विष्णु है ये सत्व गुण में, इनकी भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय सरल हो, निष्काम हो और बुद्धि जिनकी अच्छी हो, वही भगवान विष्णु की तरफ में भक्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो अभिशाप दिया है, जो अघोरी लोगों के लिए अभिशाप दिया, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, जो भगवान की सदाशिव रूप को जो भजन करते हैं, सदाशिव जब संतुष्ट होते हैं उनको भगवान की चरण में भक्ति देते हैं, भगवान की प्रेम देते हैं। अगर शंकर जी को भक्ति कर दो, उनके पास में क्या मांगो? भगवान की प्रेम मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। शंकर जी भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं। शंकर तो हनुमान है ना, जब तक हनुमान की कृपा नहीं होगा तब तक राम की भक्ति मिलेगी आपको? मिल नहीं सकती है। इसलिए शंकर जी को भगवान की भक्ति प्रार्थना करो। फिर उन्होंने अभिशाप दिया नंदी किसको? जितने ब्राह्मण को अभिशाप दिया, कलयुग में सब भीख मांगते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इसका बुद्धि भ्रष्ट होगा। बोले किस कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण भी दो तरह के हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर के भगवान की भक्ति करेगा वो ब्राह्मण नहीं, वो वैष्णव है। लेकिन जो केवल कर्मकांडी जो ब्राह्मण कर्मकांड में रहते हैं, जिनको प्रभु की भक्ति में कोई मतलब नहीं उन्हीं के लिए, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, वो तो वैष्णव है, भगवान की भक्त। दोनों का अभिशाप दे दिया। लेकिन ये जो दक्ष प्रजापति तब भी खुश नहीं हुआ। उसने क्या किया, जा करके हरिद्वार में कनकलंग में फिर यज्ञ किया, सारा दुनिया को निमंत्रण कर दिया, लेकिन एक श्री भोले बाबा को नहीं दिया। अभी जितने सबके सब विमान में बैठे करके सबके सब जा रहे थे कहाँ, यज्ञ में, वहां पर पार्वती सती भी बैठी हुई। शंकर जी से बोले देखो तुम्हारी जो ससुर है ना वो कनकल में यज्ञ कर रहे हैं, देखो हमारे जितने दामाद सबके सब विमान में बैठे करके कीर्तन करते करते जा रहे, चलो हम भी जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ भागवत कथा हुई देखना, जैसे लड़कियां शादी करके अपना अपना चली जाती हैं ससुर घर में, लेकिन इकट्ठे कब होते हैं? जब कहीं उत्सव हो पिताजी के घर में तब माताएं फिर बेटियां आती हैं, फिर बहन बहन से मिलती हैं, दामाद मिलते हैं, फिर पिताजी सबको कुछ ना कुछ देते हैं, यही संसार में आनंद है, हैं तभी जाकर तो मिलते हैं ना। इसलिए पार्वती तो सती देख देख करके इतने उत्साह हो रहा है, पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, सारी बहनें आएंगी, दामाद लोग आएंगे, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, जैसे आप लोग बैठे करके रात तक बात करते रहते हो, ऐसे वहाँ पर आनंद कितना होगा, क्या क्या होगा, पिताजी हमें कपड़ा देंगे, गहना देंगे। ए सती की मन में ना लहरी आ गई। भोले बाबा बहुत मनाए, भोले बाबा ने कहा देखो मेरे पास में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है जहाँ बगैर निमंत्रण के भी जा सकते। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले जैसे पिताजी के घर में कोई जरूरत नहीं, पिताजी बेटी को बुलाए तभी बेटी आए, बगैर निमंत्रण से बेटी कभी भी अपना विहार जा सकती है। जैसे गुरु जी के स्थान हो, ठाकुर जी के स्थान हो, यहाँ पर कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मंदिर में तभी चलेंगे ठाकुर जब निमंत्रण देंगे, ऐसे बताएं नहीं। इसलिए बगैर निमंत्रण के भी जा सकते हैं। लेकिन शंकर जी को पता है कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं, केवल मेरे को अपमान करने। बोले देखो सती मैं जा नहीं सकती, मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन सती तो उतावला हो रही जाने के लिए, थोड़ी दूर जाती हैं, फिर अभी पति ने मना, पति तो आदेश दिया नहीं, फिर पीछे देखती हैं शंकर जी, फिर आँख खोलते हैं, फिर जब सती देखते हैं फिर आँख बंद कर देते हैं, फिर सती घर में चली जाती है, फिर जाती है, फिर आती है। ऐसे करते करते सती को सहन नहीं हुआ, बोले मैं तो जा रही हूँ अपना पीहर जा रही हूँ। बस उसमें गई और वहां पर पिताजी देख करके कोई बात नहीं किया, हाँ बहन भी देख करके कोई बात नहीं की, क्यों पिताजी नाराज है, पिताजी नाराज नहीं हो जाए। लेकिन जो माँ थी है ना, माँ माँ होती है ना, हाँ देखो माँ बोलते है ना मुँह खोल जाती है, मतलब क्या, माँ जरूर कुछ भजन करेगी, माँ जरूर कुछ देगी, माँ के हृदय को ममता के रूप है। केवल भैया ने उनका आलिंगन की, अच्छा तुम कैसे हो ठीक ठाक, लेकिन नहीं पूछा। लेकिन उसने देखा सबके लिए यज्ञ भाग, लेकिन एक शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं। इतने उनको क्रोध आया, पिताजी को इतने गाली दिया। बोले सीम जो दो अक्षर है, सीम मतलब क्या है, मंगलमय,
ये दो अक्षर विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करने वाले, लेकिन तुम ही एक एक व्यक्ति हो, मेरे पिता हो, लेकिन ये शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं दिया। इसलिए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मेरे को क्या बोलेगी, किसकी बेटी? बोले दक्ष प्रजापति की बेटी। इसलिए बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी और कोटि वैरी समझते भी परमसा नहीं। ये बात कौन कह रहे? तुलसीदास मीरा को लिखे हैं। जब मीरा की पूरा परिवार विरुद्ध हो गए भगवान भक्ति के, सबके सब मीरा प्रश्न करती है तुलसीदास जी को, मेरे को क्या करनी चाहिए? तो तुलसीदास की दुआ लिख कर भेजते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनका प्रिय राम सीता नहीं, तेजी और कोटि वैरी सम उसका करोड़ों शत्रु मान करके त्याग दो, मना किया। इसलिए उन्होंने किया कि वहीं पर बैठ करके उन्होंने बाद जोगाग्नि से अपना शरीर को उन्होंने जला करके राख बना दी। वहां पर जितने शंकर जी के भक्त सबके सब त्राही त्राही मच गई, सबके सब मारपीट करना शुरू किया। लेकिन वहां पर जो भृगु ऋषि रिघु नाम के कुछ उन्होंने लोगों को प्रकट करके जितने शंकर जी के थे ना भक्त मार मार कर भगा दिया सब, और सबके सब आकर के शंकर जी के पास में शिकायत की माता ने अपना शरीर त्याग दी। हे शंकर जी को क्रोध आया, एक जटा को भर कर पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है? बोले जाओ ये दक्ष यज्ञ की तसनस कर दो। हे नाश्ते कूदते हुए आए आकर के जितने वहां बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि बैठे हुए थे, इसके दांत तोड़े। शंकर जी की जब अपमान कर रहे थे कोई हंस रहे थे, बोले शंकर जी की अपमान से हंस रहे थे, तेरे दांत ही तोड़ दे, दांत तोड़ दिए। कोई आंख ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोले आंख ऐसे ऐसे कर रहे थे, आंख ही निकाल दिए। कोई दाढ़ी हिला रही थी, दाढ़ी उखाड़ दिए, और किसको मारे पीटे, हाथ पैर तोड़े, भगा दिया सबको वहां से, और दक्ष प्रजापति गला को काट करके जगह में सुहा कर दिया। हाहाकार मच गई सबके सब, फिर जाकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में गए। शंकर जी बड़े दयालु, शंकर जी बड़े कृपालु, शंकर जी फिर शंकर जी थोड़ी में संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर आए, फिर उन्होंने बकरी का सर लगा दी, और जिनका दांत टूट गया दाढ़ी उखाड़ दिए थे उनके लिए व्यवस्था करके फिर जगह को उन्होंने पूर्ण आहुति दी। देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, सती माता जी ने किया कि शंकर जी की पिता बिना आदेश से चली गई, ये क्या ठीक किया ना गलत किया है? गलत है ना। दुनिया क्या बोलेंगे, जो बड़े व्यक्ति जो करेंगे वही उनको करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री अपना पीहर जाना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए? पति का आदेश लेकर तभी तो जानी चाहिए ना, ना बिना पति के आदेश से चले जाए जानी चाहिए। तो भाई सती ने क्यों किया? सती ने ये गलत काम क्यों किए? क्योंकि वो जो करेगा तो दुनिया तो वो करेगा ना, दुनिया तो ही करेगा। हाँ देखो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है, हैं? रहस्य ये है, जिस समय भगवान का वनवास हो गया था, सती कभी गलती नहीं कर सकती, वो जगदम्बा जगत जननी है, ये कभी नहीं कर सकती। इसका पीछे रहस्य है, जब सीता की वनवास हो गया, भगवान राम हा सीते बोल करके लता बताओ को पूछ रहे थे, मेरे सीते कहीं देखो, मेरे सीते कहीं देखो। इतने में उसी समय में शंकर और सती दोनों कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास में आए थे। आते समय जब वो वापस जा रहे थे, फिर प्रभु का दर्शन हुआ। शंकर जी दूर से उनको प्रणाम किए और बोले प्रभु का लीला में कोई व्याघात नहीं हो, उनको दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती मन में शंका हो गई, बोले ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, जो राम की कथा अभी सुन करके आए? आप हर समय जिसे राम की कथा सुनाते हो, जो परम परम परात पर तत्व घटघट वासी, उनकी कथा सुनाते हो, ये वही राम ना, ये कोई साधारण व्यक्ति है? क्योंकि मेरे को पता है रावण ने जो सीता को उठा करके लेकर गया, वो सीता है ही नहीं, वो तो छाया सीता, नकली सीता। अभी वो कहाँ पर अशोक वाटिका में, तो मेरे को पता ये बात। अगर ये परम परम घटघट वासी होते क्या इनको ये बात पता ही नहीं है? प्रश्न की, लेकिन शंकर जी की बात को पर उन्होंने विश्वास नहीं है। देखो जगत में जब उन्होंने समझाने के लिए कोशिश किया वही भगवान, लेकिन सत्य समझने नहीं चाहा। हैं? बोले मैं लिखी पढ़ी हूँ, मैं थोड़ी अनपढ़, जो बोलूंगा आप सुन लूंगा। आप देखना पांच प है ना, सारा दुनिया को मना लोगे, लेकिन पांच प को मन नहीं मना सकते, जानते हो? पहला नंबर पत्नी प, देखना सारा दुनिया को तो समझा लो लेकिन अपना पत्नी को नहीं समझा सकते।
पत्नी हर समय सोचती ये क्या समझाएंगे इनको, मैं समझाती रहती हर समय, हर समय यही गलती करती रहती है, इसलिए यही खुद नहीं समझती। तो पत्नी को है ना, पत्नी सारा दुनिया को समझाओ लेकिन पत्नी बात नहीं सुनती। दूसरा बोले पुत्र सारा दुनिया को पढ़ा, वो अपना बेटे को नहीं पढ़ा सकता, बेटे को बात बेटे बात नहीं सुनता है। तीसरी बोले पुत्री, बोले तीसरा बोले परिवार, सारा दुनिया में भरी तुम्हारी इज्जत हो, अपना परिवार में कोई इज्जत नहीं। जो चौथा को तुम्हारी पड़ोस, सारा दुनिया में मित्रता देखना, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा। और जब पंचमा पर बोले पाड़ा बा उसी गांव में, सारा दुनिया में इज्जत हो लेकिन गांव वाले उसको इज्जत नहीं देते। लेकिन उन्होंने सती को समझाने के लिए कोशिश की लेकिन सती समझी नहीं, बोले ठीक है जाओ प्रभु को परीक्षा कर लो। फिर उन्होंने सीता रूप धारण करते हुए उन्होंने परीक्षा करने के लिए गए। फिर भगवान जब राम समझ गए, बोले शंकर तो उधर चले गए, माता जी आप इधर कैसे आ गए, प्रभु समझ गए मेरे को, वो सीता रूप धारण की थी। फिर जब उन्होंने प्रणाम करके उठी ना, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सारी तरफ में देखा सीताराम सीताराम सीताराम। बोले देखो सती, सीता मेरे से कहीं अलग नहीं, हम एक ही है, लेकिन केवल हम लीला कर रहे हैं रावण को मारने के लिए, केवल ये लीला है। सती समझ गई। फिर आए पति को पास में, शंकर जी फिर पूछे क्या तुमने परीक्षा ली। देखो ध्यान दे करके माता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, कोई गलती हो गई, वो गलती को स्वीकार कर लो, सीधा बोल दो। देखना एक गलती को तुम छुपाने के लिए कोशिश करो ना, दूसरी गलती हो, फिर तीसरी गलती हो, फिर चौथी गलती होती जाएगी, ये होती जाएगी गलती। इसलिए पहला गलती हो मान लो, हमसे ये गलती हो गई वही खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या हुई। अभी उन्होंने फिर जब पूछे तुमने परीक्षा की, बोले प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो, आप कभी झूठ बोल नहीं सकते हो। बोले तुमने कैसे परीक्षा की, उन्होंने कुछ बोले ही नहीं, संकल्प त्रिकाल दृष्टा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा ये तो माता सीता के रूप धारण की, माँ सीता तो मेरी माँ, मेरी ये माँ के रूप धारण की। उन्होंने हृदय से बोले ये सती को मैं कभी और पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इसने माँ रूप धारण की। फिर शंकर जी सती को कभी बाम पार्श्व स्थान नहीं दिया, कथा नहीं सुनाए, हर समय सामने बैठा करके उनको उन्होंने गुरु रूप में देखा। शंकर जी कथा नहीं सुना रहे, बात नहीं करते, सती ने देखा इसी शरीर से और शंकर जी मेरे को पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए पति की बात सुननी चाहिए, लेकिन वो सुजोग ढूंढ रहे थे ऐसे कोई मौका मिले जो ये शरीर में त्याग दे करके फिर मैं पार्वती रूप में आऊंगा तो फिर शंकर जी मेरे पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या की, पति को बात को नहीं सुनकर गए, अपने शरीर त्याग दी, फिर दूसरे रूप में क्या बन करके आए, पार्वती बन करके आए। फिर शंकर जी को स्वीकार किया। इसलिए माता कभी गलती कर नहीं सकती है, तो इसका पीछे कारण था। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सुन लो, मन चल रे वृंदावन धाम। देखो मैंने पहले बताया था ना, जो भगवान का कीर्तन में एक बार नाच ले उसको 84 लाखों जन्म में नाचना बंद हो जाता है। कथा सुना था कि नहीं? और एक चूहा ने नाचा था, सुना था कि नहीं? एक चूहा ने क्या किया था, चूहा ने, अरे बोलो चूहा ने क्या की थी, कोई ना। हाँ, इसलिए उन्होंने दो तीन बार छलांग लगा दी थी। ठाकुर जी उसको राजकुमारी की स्वरूप दिया, ठाकुर का पटरानी बन गई। अगर चूहा 2-3 बार छलांग लगा करके बन गई, फिर तुम लोग नाचोगे तो ठाकुर क्या नहीं देंगे, अपना सखी बना करके गोलोक वृंदावन स्थान दे देंगे। ठीक है, आप लोग बड़े समय से बैठ बैठ कर प्यार चुपता होगा, दर्द कर लेकिन एक बार खड़े हो जाओ, चलो एक बार नाच लो सबके साथ। ओ मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गावे, चल रे वृंदावन राधे राधे गावे, मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गावे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गावे, राधे राधे गावे। Yeah.
Thank you.